वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए प्रदान करने एवं विभागीय पदोन्नति की मुख्य मांग को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर संरक्षक हरीश बोयत एवं मोर्चा जिला अध्यक्ष रमेश यादव की अगुवाई में अपर कलेक्टर पवन जैन को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा प्रवक्ता एवं पुरानी पेंशन बहाली संघ के जिला अध्यक्ष दिनेश परमार ने बताया कि प्रांत व्यापी आह्वान पर शुक्रवार को मोर्चे की अगुवाई में सभी कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई और ज्ञापन सौंपकर सरकार से मांगों के निराकरण की अपील की। ज्ञापन के दौरान मोर्चा जिलाध्यक्ष रमेश यादव, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार पांडे, शासकीय अध्यापक संगठन के जिलाध्यक्ष प्रवीण यादव, प्रांतीय महामंत्री अशोक मालवीय, लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष भीम सिंह कुशवा, लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष प्रकाश दुबे, हरीश शुक्ला, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शेखर जोशी, राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अशोक बोरासी, कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महेश कोठवाल, पंचायत अधिकारी समन्वय संघ के संभागीय अध्यक्ष कौशल नंद, पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष संदीप परिहार, जीएसआईटीएस शिक्षकोत्तर संघ के अध्यक्ष पूरन कैतवास, अपाक्स संघ के जिला उपाध्यक्ष संदीप धोलपुरे, जागरूक अधिकारी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, राजेश शर्मा, संजय अठवाल, आनंद हाडिया, अरुण कुमार पांडे, अमित सक्सेना, अमित जारवान, पवन मोहनिया, वन कर्मचारी संघ के संजय पांडे आदि सहित सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। ज्ञापन के पूर्व मोर्चे में शामिल विभिन्न कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों ने आयोजित सभा को संबोधित किया। संचालन राजकुमार पांडे ने एवं आभार मोर्चा प्रवक्ता दिनेश परमार ने माना। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।